बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चौपाल प्रोग्राम लैके डॉक्टर सानुला ताहर हाजिर है। मिलियो असी पंजाबी दे हवाले नाल, पंजाब दे वसनीकां दे हवाले नाल, पंजाबी दे खिलाफ ते पंजाब दे खिलाफ बोलने वाले दे हवाले दे नाल असी गलबात करते रहने हैं। असी कई सैगमेंट्स किताबां दे हवाले दे नाल, शायरां दे हवाले दे नाल, पंजाब दी धरती दे हवाले दे नाल, अखाण लोक गीत बोलियां और इहदे अदब दे हवाले दे नाल साडी गलबात चौपाल प्रोग्राम विच हुंदी रहिंदी है। ईद आ गई है, तुहानूं ईद मुबारक, पर असी ईद ते वी पंजाबी दी गल करांगे, पंजाब दी गल करांगे, क्योंकि हासे खेडां रवायतां हर बंदे दियाँ, हर तहजीब दियाँ आपो अपनियाँ होंदियाँ ने। आंदे ने बंदा दो काम अपनी जबान च करदा, रोंदा अपनी जबान च ते हसदा अपनी जबान च। ते जदों असी हसांगे, हासे दी गल करांगे, ते यकीनन असी अपनी जबान में हसांगे। अज साडे नाल मौजूद ने हासे खिलारन वाले शायर, हासे वंडन वाले शायर, जनाब मुहम्मद अमीन जान। की हाल है जी तुहाडा, तुसीं ठीक हो जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन जान साहब, बंदा हसदा अपनी जबान च, ते आंदे ने बंदा हसदा उदों में जदों दुखां दा ढेर उहदे दिल विच वड़ जांदा है, क्योंकि अपने दुखां नूं लुकाउण वास्ते। ओ ग्राम सभा बिस्मिल याद आ गए कि अख पछोकड़ कोई कहानी हुंदी है, गल गल उत्ते अथरू बन्ने आउण जदों, ते जदों बंदा हसदा यकीनन कोई ना कोई गल ऐसी हुंदी है। तुसीं समाज विच हासे खिलारदे हो, हासे वंडदे हो, ईद आ गई है, ईद ते किवें तुसीं हासे वंडदे हो? बिल्कुल जी, जिहड़ी तुसीं गल कीती है ना कि हर हादसे के पिछे एक दुख छुपया हुंदा जी, कोई शक नहीं जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। वह कहिंदे ने अनवर मसूद साहब का एक शेर है कि हस हस जरदे तत्तियां रेतां, वाह, हस हस जरदे तत्तियां रेतां, धन मकई दे दाणे, वाह, ज्यों ज्यों भांबड़ मचदा जाए बणदे जाण मुखाणे। कोई शक नहीं जी, कोई शक नहीं, जदों एक जिहड़ा ना मकई दा दाणा मुखाणा बणदा, उहदे पिछे बड़ियां तत्तियां रेतां जर के। ते जी वेखो जी, ईद ते ना ही इस चीज़ का कि बंदा हसे जी, हासे खिलारे ते हासे वंडे, और ईद उत्ते कोई बंदा दुखी नहीं होना चाहिए, हर बंदे नूं हासे होना चाहिए। पर यह जिहड़ी ईद बंदा जदों मंडी जांदा लेला खरीदने वास्ते, बकरा वैड़ा बच्चा खरीदने वास्ते, ते मंडी वाले ने मूंह खोले होंदे ने, तुसें यकीनन लेला खरीदिया होगा जी? बिल्कुल, अपने वास्ते खरीदा जी, किसे वास्ते जी? इस दफा तो हले नहीं खरीदया, लेकिन एवे कि पिछलियां ईदां दे उत्ते खरीदया। इस चीज़ दा शायरां ने, शायरां ने मंडी नूं वेख्या, मंडी जाके वेख्या, लेला खरीदण दा मुल वेख्या। बल्कि सुनिया कई लोग जदों लेला खरीदण जांदे ने, खोता खरीद के लै आउंदे ने, ते कई लोग ओ माहौल इवें दा बन जांदा है, और कई लोगों ने मंडी का नक्शा खिंचिया। तुसां वी मंडी का नक्शा खिंचिया जी? बिल्कुल जी, असीं अपनी शायरी दे विच मंडी का नक्शा, लेला खरीदण का नक्शा, बल्कि लेले की हैयत, लेले की शक्लो सूरत, कीमत, वह सारी जी, लेले की हैत ते लेले की फॉर्मेशन इनामुल हक जवेद ने, साडे मसूद अनवर ने, सरफराज साहब ने, आसफ अलवी ने, अमीन जान ने, हमजा अलवी ने, साढ़े कई शायर ने जिन्होंने ईद के हाले के नाल शायरी की है। और ईद एक ऐसा मौका है साडी जिंदगी दे विच कि सानू खुशियां दे जांदा है, और साढ़े मुसलमान की कोशिश होंदी है कि हर बंदे तक ईद की खुशी अपने ईद का चाप। और शायर इस मुआशरे का एक असर दे हर मौजू ते लिखता है, और हर हवाले नाल लिखता है। तहरीके पाकिस्तान की गल होवे, पंजाब की गल होवे, सरहदी गल्लां होवे, कौमी होवे, जंगी होवे, फौज गल होवे, किसी भी हवाले दे नाल शायर पिछे नहीं रहा। और कलर की खूबी होंगी कि वह हर मौजू न अपने कलम के कलावे दे विच आवे, से रोए दंग माहौल सैलाब आफतां उहदे विच वी ऐसी गल करे जिहड़ी प्यार अपनाइयत दी ते सारी गल होवे। शायरां ने जिन्नियां भी लिखियां ने उहदे विच अपनाइयत दी प्यार दी गल हुंदी है। तुहाडा की ख्याल, हासे पिछे हासे दे विच कोई सलाही गल दी जा सकदी है? बिल्कुल, हासे दे ते सलाही गल करनी बड़ी आसान है। इत्थे लोग इहनूं इहदा बुरा नहीं मनांदे जी, जी बिल्कुल ठीक, तुसीं तंज करो ते उहदा नहीं मनांदे, उहनूं तुसीं मजाक दे लिबास च लपेट के करदे ते उहदा लुत्फ ही उठांदे, तुहाडा पैसा वी उत्थे तक पहुंच जाए। ते जिथे तुसीं गल कर रहे ईद के उत्ते खुशियां मनाउण दी गल, खास तौर ते जिहड़ी ईद है बकरा ईद जिहनूं बकरा ईद नूं वड्डी वड्डी ईद सी दसण ने, तीन चार बड़ी वड्डी हुंदी है, और कई दिन तक लोक खाते नहीं, मशहूर वासन वड्डी ईद कहिंदे ने, ते और इहदियां खुशियां जिहड़ियां ने वंडण लोकां तक पहुंचाउण, ते साडे मज़हब ते साडे नबी पाक जी दी इजाज़त, कोई नहीं कोई शक नहीं। जे तुसीं जानवर ज़िबरदे हो ते उहदा गोश्त तुसीं तकसीम करो, तुहाडे ते लाज़िम है। और वेखो लोकां तक गोश्त पैंदा है, समझ लो गोश्त दा मतलब है खुशी। वेखो गरीब आदमी पूरा गोश्त नहीं खाता, बहुत घट मिकार च खाता, उहनूं जदों वाफर पहुंचदा ते उह खुश खुशियां तुसीं वंड जदों तुसीं गोश्त तकसीम करदे हो। खासकर बकरा ईद उत्ते इह तुहाडे कोल बहुत ज्यादा तुसीं खुशियां तकसीम करदे हो। गल इह वे कि ओह शायर जिहड़े लतीफे मज़ूम करदे ने, ते ओह शायर जिहड़े जुबंदी करदे ने, ते ओह शायर जिहड़े लतीफे मज़ूम करके हसण दा या लफ्ज़ नूं लवेट के ते लफ्ज़ां नूं बदल के हसण दा, मैं समझना कोई शायर नहीं, ओह भंड ने जी बिल्कुल। और शायर नूं भंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। शायर एक हसास गल करन वाला, प्यार दी मोहब्बत दी गल करन वाला, बड़े मलूक सोहणे जे लफ्ज़ां नाल जज़्बे नूं मंज़ूम करन वाला हुंदा है। और शायर होवे जिहड़ा हासे दे विच तंज़ दी
ऐसी गल रहे जिद ना हो सलाही पहलू हो तमीरी पहलू हो। साडे बहुत सारे शायर ने जिहड़े लंडे बजा नक्शा खिंचते हैं तो इंज लगे कि जिमें इलाही नज़म लिखन डे। जो किसी विधा नक्शा लिखते हैं तो इंज लगता जिमें तीरी नज़म लिखन डे। जो किसी स्कूल कॉलेज बाजार इस तरह की चीज़ का जि तू कि जाने लिए मजे वो एक शराफत उन्होंने नक्शा किया। इस तरह चौधरी अज पकाइए इस तरह जदीद हवाले कई ऐसा नज़म मिल दी है जितों इस गल का चलता है कि इस जबे के पिछे भी तमी रुकी है सलाह रुकी है और नज़म वही है जिसके पिछे सलाह ही हो। उस्ताद शाह का नाम लिया पर मसूद साहब इनामुल हक बेद साहब और इन्हें वाकई इस मौजू के उत्ते लिखा कोई शक नहीं कि उत्ते आम लोगों का ध्यान नहीं जाता और जो खास तौर पर इदा जिक्र आ तो फिर वो ऐसे खूबसूरत अंदाज नाल दा नक्श खिंचदे ने कि बहुत मजा आता और हर एक का अपना अंदाज और चुके शायर मतलब गुजरात बड़ा नाम से जी अरशद मीर साहब का उन्होंने बड़ा सोहना मजा लिखा जी उन्होंने बड़ी सोनी मजाइया अपना लीना लिखिया ने शायरी के हवाले डॉक्टर सही वाल साधी उन्होंने मजाइया हवाले कुछ किया है। तो मैंने कहा पंजाबी शब्द में मुढ़ बन वाले जो ने उस कलासी शायर ने शायर ने जिन्हें मजा तो नहीं लिखा मगर ऐसे तंजिया और चीजा शाह तो होंगे हुई हाशम शाह तो बाद जदी और तक मिलदियां ने तो तुसा ये मजाक कित्थों लिया लोच रस मेरे अंदर मौजूद सी बन के उस नज़म शेर गजलां सूरत सामने आता है ठीक, ठीक। और बकरी वाले नाल भी मैं हिस्सा मतलब पाए मुशायरे होंगे कई जिते होर सारे काम हो रहे हैं कड़िया जा रहा है सिया रहा है गोशत वंडे आ रहा है उस सबसों के नाल भी कुछ मिल जाए लोग गल कि हम प्रोग्राम पाल का पहला सेगमेंट खत्म हो लगा पहला हिस्सा खत्म हो लगा और अगले प्रोग्राम अमीन जान हो अपने शिगिरद अलवी के नाल बैठ जुगलबंदी करेंगे और जुगल ये वे कि दोवें ही उस्ताद शिगिरद बाजार गए ने उन्होंने लीला खरीदा उस्ताद ने किवें लीला खरीदा तो शिगिरद ने किवें लीला खरीदा और उन्होंने मंडी च की लिखा किस हालात वेखे ने वह सानू आपे च नवा सुनाएंगे असीं नवा सुनाएंगे जुगलबंदी वेखा कि उस्ताद शिगिरद ने किवें नक्शा खिंचे बाजार का मंडी का आओ इन्हां उस्तादां दी नज़मां सुनीए ते हासे वंडीए रब रख वक्फे तो बाद मिलने रस यह पहचान गुजरांवाला की मैं रामर स्टोर की ग्रॉस में आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ग्रोसरी मिल जाती हैं और मैं चाहूंगी कि और भी ब्रांचेज रीजन गुजरांवाला के बहुत ही बेहतरीन है कि सारी चीजें आई है कि जो है उस टाइप में सारी चीजें जाती हैं रेट भी है मुनासिब है मार्केट के हिसाब से अच्छा है कि एक जगह मजीद ब्रांचेज होनी है। शॉपिंग का मजा रानी उम्र के स्टोर आता है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है वो पूरे शहर में इस तरह का मियार नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है और हम आपको भी मदद देते हैं कि आप यहाँ शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा रानी उम्र स्टोर के साथ ताल्लुक और की क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, प्राइस अच्छे हैं। मैं रानी उम्र कस्टमर हूँ, मैं हर यहाँ से ग्रोसरी कहीं बहुत ही अच्छा स्टाई है यानी कि हर यहाँ से अवेलेबल होती है। आप जब भी आते हैं नमत जनरल स्टोर पर ही आते हैं, मैं दूसरे को भी कहूँगी सबको कहूँगी कि नमत जनरल स्टोर ही आए तो सब कुछ मिल जाता है। जी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ हाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम की तवक्कुआत और जरूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी दालें चावल घी मसाजात फ्रूट्स हलजात बेरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक्स अंडरगार्मेंट्स खिलौने स्टेशनरी फ्रोजन फूड्स मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो भी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए रान उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज मार पर कोई समझौता नहीं। रग्स यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों, गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है
वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको ही मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। मयार पर कोई समझौता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वक्फे तो बाद फिर प्रोग्राम में हाजिर हाँ, तो मेरे नाल मैं ज्वाइन किया हमजा अलवी साहब ने। ए भी बड़े अच्छे शायर ने, गुजरां वाला देखना उभरते हुए शायर ने, तो इन्हों को पूछने इन्होंने ईद के हवाले नाल या लेले के हवाले नाल की लिखा। हाँ जी हमजा अलवी साहब, की हाल है चाल तुहाडा? ठीक ठाक जनाब, तुसीं ठीक हो? तबीयत से ठीक है अल्लाह पाक दा करम। ठीक है, मसरूफियात है अजकल? अजकल मैं कंपनी ज्वाइन की थी, बहुत फैक्ट्री काम शम करना वा, नाल अपनी शायरी काम करने वा। जी ठीक हो गया जी जी। ते शायरी कैसे जा रही थोड़ी? शायरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक शायरी जा रही है बस। अच्छा हाँ जी। ते तुहानू पता है बकरा ईद है, वड्डी ईद है, माशाल्लाह वड्डी ईद ते हर शख्स तकरीबन मंडी दा रुख करदा है या खुद नहीं भी खरीददा तजर्बा जरूर होंदा मंडी दा। ते तुसीं मंडी किधरे गए या कोई मंडी जैसा वाकया वेख्या? जी जी बिल्कुल, दोस्तों यार ने जाते रहे मंडी। अच्छा, वाकई भी वेखे तो वाकई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮਰਾਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਐਮ ਐਮ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੋਂ ਮਰਾਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਰਾਸੀ ਗਿਆ। ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਵਹਾ ਲਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਏ ਜੀ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੀ, ਈਦ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੀ, ਈਦ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੇਲਾ ਇੱਕ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿੜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿੜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗਾ, ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਊਂਠ ਗੱਲ ਟੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਮਰੂ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇ ਬਣੀ ਤੇ ਵਹਿੜੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਊਂਠ ਗੱਲ ਟੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਮਰੂ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇ ਬਣੀ ਤੇ ਵਹਿੜੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ, ਢੋਲ ਵੀ ਪੈ ਰੋਣਕੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬ ਡੱਬ ਖੜਕਣ। ਅੱਛਾ, ਢੋਲ ਵੀ ਪੈ ਰੋਣਕੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬ ਡੱਬ ਖੜਕਣ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਫੜਕਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਫੜਕਣ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਪਿਆ, ਮਰਾਸੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਪਿਆ, ਮਰਾਸੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਮਸਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮਸਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਝੱਟ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਝੱਟ ਰੁੱਕ ਗਈ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਂਝ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਪਈਆਂ। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਂਝ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਪਈਆਂ।
संगी जो मरासी थे सन वह भी कुछ होर सन नाल यार भी है सन संगीत जो मरासी थे सन वह भी कुछ होर सन लिख दो वटू तो है उंज चोर सन लिख दो वटू तो है उंज चोर सन मंडी लगे मेले विच कम उन्हें वखाता मंडी लगे वेले मेले विच कम उन्हें वखाता अद्धियां दे अद्धियां दे झिगे नाल खीसा उन्हें लाता अद्धियां दे झिगे नाल जेब कर दी अद्धियां दे झिगे नाल खीसा उन्हें लाता पैसे कट मंडी लुट पूरे उन्हें कीता चा अच्छा पैसे कट मंडी लुट पूरे उन्हें कीते चा ते नसन दे वास्ते खंगूरे उन्हें कीते चा इशारा शुराना कर लिया के पैसे कट मंडी लुट पूरे उन्हें कीते चा ते नसन दे वास्ते खंगूरे उन्हें कीते चा सुन के खंगूरे मरासी गश खा पिया सुन के खंगूरे मरासी गश खा पिया ते नचदियां नचदियां ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਮਰਾਸੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਾਸੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਥੈਲਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਦੂਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਥੈਲਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਭੇਡੂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਭੇਡੂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਘਰ ਬੂਹੇ ਚੌਧਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਘਰ ਬੂਹੇ ਚੌਧਰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਉੱਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਲ ਏ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਉੱਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਲ ਏ ਤੇ ਨਸਲੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲਦਾ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਰਣ ਸੁਣਾ ਲਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸਿਵੇ ਦਰਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਮੁੱਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਹ 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 ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਟੱਕਰੋ ਟੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਜੱਚਦੀ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਜੱਚਦੀ ਗਾਣੇ ਲਾਓ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਨੱਚਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਲੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦੀ ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਟੱਕਰੋ ਟੱਕਰੀ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਨਾ ਉੱਕਾ ਸੰਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੂਸ ਮੰਗਦਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਬੱਕਰਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਗੰਢੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾਧੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਲੜਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਧੇ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਟੱਕਰੋ ਟੱਕਰੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲੇਲਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਲਾ ਛੇਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕੋਈ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਜੀ ਲੇਲਾ ਛੇਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਲੱਭੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਸੀਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ
सिरसठ मां नाल गल्लां करी जांदी सी, सिरसठ मां नाल गल्लां करी जांदी सी ते नाले तक सब वल निम्मा निम्मा शर्माउंदी सी। अच्छा अच्छा बाबा। नाले तक सब वल निम्मा निम्मा शर्माउंदी सी, सामने ओदी आउंदी सी ते मगरों दी जांदी सी, इंजी चार पंज फेरे पई लांदी सी। अच्छा बाबा। इंजी चार पंज फेरे पई लांदी सी, कम सारे छड के ते लोकी ओनूं पैसन तक दे। अच्छा। कम सारे छड के लोकी ओनूं पैसन तक दे, कदी वाल वांदे सन ते कदी पैसन हस दे, व्याहे वरे बाबे भी पे नजरां सन रख दे। अच्छा बाबा। व्याहे वरे बाबे भी पैसन नजरां रख दे, पर माँ दी नाल सी कर कुछ नहीं सन सकदे। अच्छा, पर माँ दी नाल सी कर कुछ नहीं सन सकदे। मेरा जो शगिर्द सी अचोखा सियाणा सी। अच्छा। मेरा जो शगिर्द सी अचोखा सियाणा सी, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਥਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਥਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਸੀਤਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਸੀਤਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 'ਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੂ ਜ਼ਰਾ ਬੋਤਲਾਂ ਖਿਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੂ ਜ਼ਰਾ ਬੋਤਲਾਂ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਤਾ, ਆਪ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਂਦਾ ਜੇ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਵੀ ਫਸਾ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਵੀ ਫਸਾ ਲਈ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਨਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਨਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਉਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰੋ ਪਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ। ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰੋ ਪਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੀ ਬੁਰਖਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਸੀ। ਨਕਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕਰ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਬੇਬੇ ਉਹਦੀ ਉੱਠ ਗਈ। ਉੱਠ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਉਹਦੀ ਉੱਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਓ। ਚਾਰ ਡੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਕਾਬ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਨਕਾਬ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਨੈਣਾ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨੈਣਾ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਲੱਥਾ ਜੇ ਨਕਾਬ ਯਾਰੋ ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਦੰਦ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਲਮ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਲਮ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਡੀਕ ਨਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਡੀਕ ਨਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਗਸ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੀ। मैं राना अमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों, गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स,
अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राणा उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।